नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, जो आज का विषय है वह है महामृत्युंजय मंत्र, बेनिफिट्स ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। तो साथियों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो साथियों, चर्चा करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सर्वप्रथम जब महामृत्युंजय की उत्पत्ति का मैं आपको कारण बताता हूँ कैसे यह मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हुआ। तो महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता हैं मार्कंडेय ऋषि। भगवान शिव की कृपा से उन्हें यह मंत्र प्राप्त हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि अर्थात, जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म होने वाला था तो उससे पहले ये भगवान शिव के वरदान से ये प्राप्त हुए। तो भगवान शिव ने इनके माता पिता से पूछा कि आपको दीर्घायु पुत्र चाहिए या अल्प। मैं आपको दो वरदान देता हूँ, एक तो दीर्घायु पुत्र जो जीवन में अनैतिक पथ पर चलेगा, और एक अल्पायु पुत्र तो जो अच्छे कार्य करेगा। तो उनके माता पिता कहते हैं कि हमें अल्पायु पुत्र ही दीजिए जो अच्छे कार्य करे। तो भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय जी का जन्म हुआ, और इनकी जो आयु निश्चित थी वह सिर्फ 5 वर्ष की का निर्धारण था। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और धीरे धीरे उसकी आयु लगभग 5 वर्ष की तरफ बढ़ने लगी। तो इस तरह से माता पिता जो थे वह बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने कई जगह इसका उपाय पूछा, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो फिर अपने नगर के बाहर ही वह एक स्थान पर बैठ गए और जो भी व्यक्ति आता जाता उससे पूछते कि किस तरह से मैं अपने बच्चे की अल्पायु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो एक दिन इसी तरह घूमते घूमते सप्त ऋषियों का मंडल वहाँ पर आया। तो उन्होंने सभी ने, माता ने, पिता ने और पुत्र ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया और बोला, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव यशस्वी भव। तो पुत्र को इस तरह का आशीर्वाद देने के बाद जब उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे पुत्र का अब कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि इसे 5 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, तो सप्त ऋषि बड़े अचंभित होते हैं कि हमने वरदान दे दिया है तो अब इसका निवारण कैसे हो, इसको सत्य कैसे सिद्ध किया जाए। तो सप्त ऋषि क्या करते हैं, उस बालक को अपने साथ ले जाते हैं और जाते हैं सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी से चर्चा होती है। तो ब्रह्मा जी को बालक भी प्रणाम करता है, सप्त ऋषि भी प्रणाम करते हैं, और ब्रह्मा जी स्वतः उसी प्रकार से यशस्वी भव और दीर्घायु भव इस तरह का आशीर्वाद बालक को देते हैं। तो सप्त ऋषि बताते हैं कि इस बालक की आयु अब कुछ दिन शेष बची है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इस बालक को यहीं छोड़ दें, और आप तो सप्त ऋषि बालक को वहीं छोड़ देते हैं और ब्रह्मा जी उसके तदुपरांत भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव जी को बालक भी प्रणाम करता है। और नतमस्तक प्रणाम करने के बाद भगवान शिव बालक को आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु भव यशस्वी भव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब इस बालक की उम्र सिर्फ 1 दिन बची हुई है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप इस बालक को मेरे समीप छोड़ दें, मेरे साथ छोड़ दें। तो मार्कंडेय जी जो है भगवान शिव के पास रहते हैं, और दूसरे दिन उनकी मृत्यु का दिन निश्चित था। तो समयानुसार यमराज आते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि मैं इस बालक को लेने के लिए आया हूँ, और भगवान शिव उसे यमराज जी को रोकते हैं और कहते हैं कि रुको यमराज, यह बालक मेरी शरण में है। तो यमराज कहते हैं कि प्रभु, आपने ही इनके माता पिता को वरदान दिया था कि यह पुत्र सिर्फ 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो जैसे ही यमराज बालक को उठाने के लिए आते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा 1 वर्ष 1 कल्प के समान है। तो इस तरह का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तो यमराज घबरा जाते हैं और वह कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ, क्योंकि 1 कल्प का अर्थ होता है कि कितने ही यमराज परिवर्तित हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है वहीं पर से मार्कंडेय ऋषि को क्या कहते हैं, इस तरह का आशीर्वाद मिला कि मार्कंडेय ऋषि भी अभी भी हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में अजर हैं, अमर हैं, जीवित हैं, इस तरह से कहा जाता है। और कहा है कि मार्कंडेय ऋषि अभी भी जीवित हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने ही भगवान शिव की तपस्या करी और मार्कंडेय पुराण
की जो रचना करी और उसी में इस महामृत्युंजय मंत्र को संप्रेषित किया। तो महामृत्युंजय मंत्र किस तरह से है करेंगे, हम थोड़ा सा गुनगुनाएंगे दो तीन बार। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् ओवायुकमिविबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् ओवायुकमिविबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् ओवायुकमिविबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जो हम महामृत्युंजय मंत्र हम लोग कर रहे हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु से हमें बचाता है, हमारे अंदर स्थित समस्त प्रकार के विषैले तत्वों को दूर करता है, हमें दीर्घायु बनाता है और जितने भी रोग हमारे अंदर विद्यमान हैं उनको ठीक करने की क्षमता इस महामंत्र योग में है। तो साथियों, महामृत्युंजय मंत्र से हम दीर्घायु होते हैं, अल्पायु से हमें मुक्ति मिलती है और हम दीर्घायु की ओर अग्रसर होते हैं और भगवान शिव की शरणागति हमें प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।